बच्चों अब अगला प्रश्न न्यूमेरिकल कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान देना आवेश रैखिक रूप में है, जो एक न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन कराया था मैंने कि आवेश एक रेखा के रूप में विघटित हो, तो रैखिक आवेश को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र भी सिद्ध किया था उस डेरिवेशन पर आधारित ये न्यूमेरिकल है कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश क्या कर रहा है कि 2 सेंटीमीटर दूरी है, तो दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 और सेंटीमीटर की वैल्यू 10^-2 मीटर, तो ये दूरी आपकी मीटर में कन्वर्ट हो गई। 9×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई 9×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमसे कह रहे हैं रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करें, रैखिक आवेश घनत्व हो गया लैम्डा, ये हमें निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र सिद्ध कराया था E बराबर 1/2π0 लैम्डा वर्ग, ये सूत्र मैंने आपको सिद्ध करवाया था। इसमें देखो थोड़ा सा अभी हम चेंज करते हैं, इसमें से हमें लैम्डा का मान निकालना है। हमने आपको एक बात बताई थी कि 1/4π0 इसका मान होता है 9×10^9, 1/4π0 इसका मान है 9×10^9, तो क्या करते हैं यहाँ 2π0 है, तो इसको हम 4π0 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो वो कैसे होगा कि E बराबर, इसमें हम ऊपर नीचे 200×200 करते हैं, तो 200 नीचे गुणा करेंगे तो 2×2=4, 4π0 और 200 ही हमने ऊपर गुणा कर दी 2λ/8, तो 2×2=4, अगर काट भी दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, यहाँ 2 की जगह 4 हमने जानबूझ के बनाया है, तो 200×200 करने पर जो यहाँ 4 बन गया, तो इससे हम 1/4π0 इतने का मान सीधे 9×10^9 लगा सकते हैं। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, E का मान ये रहा 9×10^4 बराबर 1/4π0 का मान 9×10^9 2 लैम्डा निकालना है, और बटे आर, आर का मान ये रहा 2×10^-2, तो ये 202 कट जाएगा, इधर बटे एक करके तिरछी गुणा कर लो, तो एक की गुणा इसमें, तो ये हो जाएगी 9×10^9 लैम्डा बराबर इसकी गुणा ये 9×10^4 और गुणा में आएगा 10^-2, ये तो लैम्डा बराबर 9 से 9 काट लो, तो 1×10^4 ये 4 में से 2 गए तो 2, और 10^9 इधर गुणा के बटे में ले आओ बटे 10^9, तो 1×10^2 और 10^9 ऊपर ले जाओ -9, तो लैम्डा बराबर हो गया ये 1×10^2 में से -9 करेंगे तो -7 इतने कूलाम प्रति मीटर। ये हो गई आपकी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की वैल्यू।